हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। और छुट्टियां हो चुकी हैं पूरी होली की, और आगे हमें इसमें आज एक नया सेशन स्टार्ट करना है जो कि क्लाइमेटिक रीजन है। सेशन का नेम है और सभी लोग इसमें पढ़ेंगे हम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सोच लो क्लाइमेटोलॉजी का अगर इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे क्लाइमेटिक रीजंस को पढ़ना है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में तो आपको यहाँ एक चीज समझ आएगी, क्लाइमेटिक रीजंस कैसे हम पता लगा सकते हैं और कैसे हम इसके बारे में हेल्प करेगा हमें समझने में, अंडरस्टैंड करने में, चीजें कैसी होगी इन चीजों के बारे में हमें इसमें पता चलेगा। एंड अब अगर हम इसमें कभी कभार ये होता है कि हम चलो चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आ जाता है कि भाई इस क्लाइमेटिक रीजन में कौन से एरिया पे होगा या कौन सा कंट्री होगी, कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, किस कॉन्टिनेंट पे, किस एरिया पर या किस जोन पर कौन सा क्लाइमेटिक रीजन होगा, इक्वेटोरियल होगा या फिर आपका ट्रॉपिकल होगा या फिर सवाना होगा, टेम्परेट होगा, ग्रासलैंड होगा, डिजर्ट होगा, क्या होगा इसमें, कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करता हूँ, इफ आई विल डिस्कस अबाउट द कि हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, सो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं टोटल? 12 है ना, 12 है, 12 है अगर हम इनको देखें, समझें, और अलग अलग। और ये सारे के सारे, आपने अगर मेरा पहला एक लेक्चर देखा होगा, सबसे पहला जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में बताता हूँ आपको फंडामेंटल ऑफ द ज्योग्राफी। इन द फंडामेंटल ऑफ द ज्योग्राफी आई टोल्ड यू अबाउट द लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक रीजन्स। तो क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने के लिए ये पूरा काम करता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें वो होते हैं, हमारे पार्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आएंगे उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हर जगह एक अलग अलग आपके सारे क्लाइमेटिक रीजन्स इसमें दिखाई देंगे, आप समझ सकते हैं इसपे। तो अगर मैं क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करता हूँ, समझने की बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन से होंगे और कैसे आप जाने कि कितने क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, बेसिकली देयर आर 12 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट वन इज फ्रॉम द, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। सो बिकॉज फ्रॉम द इक्वेटर वी विल, वी कैन डिवाइड इन द जोन्स ऑल्सो इन द लैटिट्यूड्स, सो यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सो ऐसे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, अब बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे लैटिट्यूड्स हमारे होंगे इस पर। और अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं तो हमारे कितने हैं, देयर आर 12, यहाँ पर 12 हैं, 12 क्लाइमेटिक रीजन्स। रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स तो हैं वर्ल्ड में, कितने हैं? 12 हैं। इनके नेम जान लें, फिर इसके वन बाय वन हम क्लाइमेटिक रीजंस को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड कैसा है, उन सभी के। नंबर वन स्टार्ट होगा हमारा यहां से, दिस इज द इक्वेटर। इट इज लोकेटेड किस पे लोकेटेड है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। सो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर भी रीजन है। ये मत सोचना कि ओनली इक्वेटर लाइन इज कॉल्ड रीजंस, नो। 0 to 10 degree इज कॉल्ड इन नदर्न साइड एंड 0 to 20 degree इन सदर्न साइड आर कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। सो बेसिकली यू कैन से इन द 0 to 10 degree दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल जोन, इक्वेटोरियल रीजन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इफ यू फील कि नहीं समझ आया कुछ ऐसे, तो यू कैन आस्क मी, ओके। सो नंबर वन इज क्लाइमेटिक रीजन्स नंबर वन क्लाइमेटिक रीजन इज इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन्स। नंबर टू, रीजन नंबर टू इज
ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन. नंबर थ्री इज सवाना रीजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट रीजन. ठीक है, सवाना ही टेम्परेट है क्योंकि ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट जाएगा. और इसे सभी को जब हम पढ़ेंगे ना तो लैटिट्यूड जरूर माइंड में होना चाहिए, लैटिट्यूड से ही समझने का ट्राई करेंगे तभी बेस्ट होगा ये. तो नंबर थ्री इज सवाना आर टेम्परेट आर ग्रासलैंड भी इसे कह सकते हो, ये कई नाम से जाना जाता है. तो इसमें ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ग्रासलैंड ऑल्सो ये रीजन भी आपका आता है. नंबर फोर, नंबर फोर इज स्टेपी. ओके, स्टेपी. इसके बाद हॉट डिजर्ट्स, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स, हॉट डिजर्ट्स, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स, नंबर सेवन इज मेडिटेरियन क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट. नंबर एट चाइना टाइप क्लाइमेट. नंबर नाइन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, क्लाइमेटिक रीजन. नंबर टेन इज लॉरेशियन टाइप एंड नेस्टैगा एंड टुंड्रा. इसमें भी ध्यान देना, लॉरेशियन दोनों डिफरेंस है, एक लॉरेशियन लैंड भी है, एक लॉरेशियन ये भी है, बट ये लॉरेशियन डिफरेंट है, वो लॉरेशियन डिफरेंस है. लॉरेशियन टाइप. नंबर 11 इज टैगा, ये आपके पोलार रीजन पे पहुंचने लगे हैं हम. नंबर 12 नंबर इज टुंड्रा, इट इज कैसे लोकेटेड ऑन द पोल रीजन. सो दैट इज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अच्छा ठीक है, इसके बाद हम वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइक इक्वेटोरियल जोन एंड कहाँ से कैसा होगा, कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजंस में थोड़ा देखेंगे. ठीक है, अब इसमें अगर इक्वेटोरियल की अगर बात करते हैं, ध्यान से समझें, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां से समझ आएगा इक्वेटोरियल रीजन कहां गया है, कहां से निकली इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटर लाइन ये है आपकी, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन जा रही है, ये वर्ल्ड मैप में है. इट इज लोकेटेड ऑन 0 degree, बट ये कितनी है, इसका जोन कौन सा है, इसका रीजन कौन सा है, 0 to 10 degree. समवेयर यू विल फाइंड 5 to 10 degree लैटिट्यूड, लैटिट्यूड दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन. बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज एग्जैक्टली 0 to 10 degree. व्हाट इज 5 degree? बिकॉज इफ वी थिंक फ्रॉम 5 degree to 10 degree, सो दैट इज 0 to 5 degree. व्हाट इज 0 to 5 degree एंड वेयर? तो ये भी हमें इसमें, ये तो कहीं जाएगा नहीं ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इक्वेटर, सो दैट्स व्हाई वी कैन से. अब इसमें हमें देखना है कि क्या ऐसा, इसमें क्या ऐसा अलग है, क्या चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं सभी से, या फिर कुछ ऐसी होंगी, तो उसके बारे में भी हम यहां से देख सकते हैं. ठीक है, अब यहां से आपको इसमें देखें कि इक्वेटर में, इक्वेटर के लिए क्या है. सबसे पहला, जब भी मैं कभी बताता हूं आपको तो एक चीज ध्यान देना, इक्वेटर रीजन को समझने के लिए हमेशा एक चीजों को बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही उसको समझा जाता है कि कैसे लाइट पड़े, प्रैक्टिकली समझना है. आप कभी जा रहे हो देखो कहीं बाहर जाके, प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि जैसे मूवी चलती है ना, प्रैक्टिकल दिख रहा है कि क्या हो रहा है, किसको क्या दिख रहा है, वो एक एक्टिंग करके दिखा रहे हैं. सेम ऐसे देखना है कि कुछ चल रहा है, विजुअल आपके माइंड में होना चाहिए. तो अगर आपके उसमें ऐसा माइंड में है तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं. ठीक है,
इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी सनरेज है जो आ रही है, जो आपके अर्थ पर पड़ रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे अर्थ में ये जो सनरेज है टिल्टेड होती जाएंगी। तो आप कह सकते हैं इसमें कि सनरेज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर डायरेक्ट गिर रही है। अब अगर डायरेक्ट ये आ रही है, इक्वेटर कहां पर लोकेटेड है? जीरो डिग्री पर, है ना, जीरो डिग्री। मैंने बताया जीरो टू फाइव डिग्री, दैट इज जीरो टू टेन डिग्री, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। अब यहां पर अगर डायरेक्ट रेज आ रही है, समझना ध्यान से, अगर डायरेक्ट रेज है तो ये एरिया कौन सा ज्यादा गर्म होगा? ये हमारा अगर टेन टू जीरो टू टेन डिग्री है तो ये हमारा सरफेस जो है इक्वेटोरियल सरफेस, पहले तो ये रीजन कैसा होगा? हीट सरप्लस रीजन बन जाएगा, हीट सरप्लस रीजन, बिकॉज हीट सबसे ज्यादा है। क्योंकि डायरेक्ट आप जला रहे हो ना, आप कभी गैस जल रही हो, आप दूर से हाथ रखो ऐसे और एक जहां पर जल रही हो वहीं पर हाथ रख दो तो आपको पता लगेगा यहां जल गया है, और दूर रखोगे तो नहीं जलेगा। यहां टिल्टेड होता जा रहा है, यहां पर डायरेक्ट गिर रही है, और डायरेक्ट गिर रही है तो ये फिर ऐसा आपका आएगा, हीट सरप्लस रीजन बन जाएगा। सरप्लस रीजन है और साथ ही साथ सरफेस सी, यहां पर सी भी ज्यादा है तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये भी हाई हो जाएगा, ठीक है। और ये साइंस में, साइंस अगर आपने पढ़ी है, बेसिकली जियोग्राफी ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द साइंस, तो ये भी साइंस ही है। अब बात इसमें है कि जब इसमें डायरेक्ट गिर रही है, ध्यान से समझना, डायरेक्ट आ रही है इक्वेटर पे तो सरफेस गर्म होगा। जैसे ही कोई भी सरफेस गर्म होता है, अगर सरफेस क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, हीट ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर एक चीज क्रिएट होगी, वो क्या होगी, इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ये थ्रू आउट ईयर होता है, वाई रीजन इज कि इक्वेटर, इक्वेटर पर थ्रू आउट डायरेक्ट ही पड़ती है रेस, चाहे अर्थ कहीं से घूमेगी डायरेक्ट ही इस पे आएगा। सो ये जो हमारा है ये क्या है, इसमें ये आपका डायरेक्ट सनरेज आएगी या सरफेस क्या हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगी इसमें सरफेस पे। हीट ज्यादा होगी तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, इंटेंस लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होने पर एयर जो है आपकी, एयर विल मूव अपवर्ड, ऊपर जाएगी। जब हल्का हो जाएगा आदमी, अब सीधी सीधी सी बात है, आप ध्यान से समझना, कभी आपने पॉपकॉर्न देखा है? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जब लाते हो थोड़ा हैवी होता है, पॉपकॉर्न को आप उसमें डालिए तवे पे और जलाइए नीचे से, तो जब वो जलेगा, जब वो बन जाएगा, पॉपकॉर्न बन जाएगा वो दाने से, तो आप देखेंगे वो हल्का महसूस होगा आपको, क्योंकि वो अब नीचे उसके लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप कभी अपने आप को देखो, गाड़ी में, बाइक में बैठो, गर्मी का सीजन हो, अच्छी गर्म हो, आप बैठोगे तुरंत उठ जाओगे ऊपर, क्योंकि नीचे क्या है, लो प्रेशर है। भला आपके अंदर लो प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ, बट एयर राइज होना शुरू हो जाएगी। या कभी आप टी बनाते हो, टी है ना, टी में देखिए, आप कभी टी में क्या करोगे, टी जब बनाओगे तो उसमें रखिए, अपना पॉट रखते हो जब, और उसको जब बर्तन रखोगे तो उसमें जलाओगे, जैसे जैसे गर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर धुआं उठेगा उसमें। क्यों उठ रहा है? क्योंकि गर्म हो रहा है। ठंडी जगह पे क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर में एयर मूव करेगी। अब इस सरफेस पर क्या है, वाटर भी है। अगर वाटर है तो यहां पर मॉइस्चर भी जाएगा साथ में कि नहीं जाएगा? तो वाटर वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। तो वाटर वेपर बनेगा, इट मींस मॉइस्चर लेके जाएगा, मॉइस्चर लेके जाएगा। जब ये मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक इसको कोल्ड एयर नहीं मिल जाएगी, तब तक ऊपर जाएगा। ये मैक्सिमम इस जगह पर जब ये ऊपर जाती है यहां की एयर, तो ये लगभग 2000 मीटर तक ऊपर जाता है, जिसे बोलते हैं क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड है ये, वहां तक जाती है ऊपर तक। फिर वहां पर इसमें बादल बनेगा और इसमें क्या करेगा, ये कंडेंसेशन होगा, फिर ये छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा, ड्रॉपलेट में, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी बारिश हो जाएगी। तो अगर ये डेली ऐसा हो रहा होगा तो डेली होगा, तो
ये डेली, क्योंकि डायरेक्ट ये डेली थ्रू आउट ईयर पड़ता है, कैसा पूरे साल ऐसा ही रहता है थ्रू आउट ईयर। अगर थ्रू आउट ईयर है इसका मतलब है कि क्या है, यहां पर थ्रू आउट बारिश भी होगी। लेकिन मॉर्निंग में यहां से क्वेश्चन आया कई बार, मॉर्निंग में आपको एकदम ब्लू नजर आएगा, एकदम क्लियर स्काई दिखाई देगा, जैसे जैसे दोपहर आएगी दोपहर में से बादल छा जाएंगे, क्लाउड आ जाएगा, और इसके बाद लगभग 2 PM से लेके 4 PM के बीच में, 5 PM के बीच में बारिश हो जाएगी। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये नून का पूछ लेता है बारिश होती है कि नहीं, कभी कभी इवनिंग का बता देता है, तो अगर नून या इवनिंग दिया है तो वही सही है। ठीक है, तो यहां पर ही बारिश होगी। अब इतनी चीज तो आपको समझ आ गई है कि कैसे ये बारिश हो रही, कैसे क्या चीजें बदल रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज और भी है, एवरीडे यहां पर राइज ऑफ मॉइस्चर होगा, राइजिंग ऑफ मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर ऊपर जाएगी, एडवेक्शन रेन एवरी इवनिंग होगी हमारी, होगी कि नहीं होगी। अब यहां पर अगर एवरीडे इवनिंग में यहां पर क्या हो रही है, रेन हो रही है, तो अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, अब डेली रेन होगी तो एरिया कैसा हो जाएगा, एरिया कैसा होगा, स्वाम्पी, वेट, यानी दलदल हो जाएगा, स्वाम्पी एरिया हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, दलदल होगा। तो यहां पर दलदल में क्या होता है, दलदल में सारा कुछ दलदल ही है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये स्वाम्पी एरिया है तो यहां पर दो तीन चीजें ध्यान देंगे, स्वाम्पी एरिया में या वेट एरिया में, वेट लैंड हो गया ना, वेट एरिया हो गया यहां, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा मामला है कि यहां पर आपकी जो वुड होगी, लकड़ी होगा, जो पेड़ होगा, ट्री होगा, प्लांट होंगे, वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट वुड होने की वजह से ये फर्नीचर के लिए क्या होगी, ये फर्नीचर के लिए ये ठीक नहीं होगी, सड़ी हुई लकड़ी थोड़ा ना काम आएगी, तो फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगी। जब फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगी तो अब ये किसके लिए ठीक हो जाएगी भाई, अब ये जो ठीक आएगी, गुड इवनिंग पूजा, तो अब इसमें ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर जब इसमें फर्नीचर के लिए ठीक नहीं होगा, और दूसरा साथ ही साथ अगर ठीक हुआ भी, लकड़ी चाहिए भी, बट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेट एरिया है, गीला है, दलदल है, तो यहां ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, गाड़ियां ही नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, लंबरिंग पॉसिबल नहीं है, लंबरिंग भी नहीं होगी। अब यहां पर ये चीजें नहीं होंगी, बट क्या होगा, यहां पर दलदल में कौन से ऐसे एग्रीकल्चर है जो हो सकता है, वो है आपका पाम ऑयल की। इक्वेटोरियल रीजन पर अगर कभी पूछा जाए कि आपको कौन सी खेती होती है, तो आपको तुरंत बताना है कि यहां पर एग्रीकल्चर जिस चीज का होता है कल्टीवेशन, वो है पाम ऑयल का, जिससे कि आज की डेट में लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, सबसे ज्यादा आप रिफाइंड लेते हैं बाजार से, पाम बहुत सस्ता आता है, उसको डालते हैं और हर चीज में, चाहे बाजार से घी लो, चाहे आप डालडा लो, चाहे वो आप रिफाइंड लो या सरसों का तेल लो, कुछ भी लो, सभी में पाम ऑयल पड़ के आता है, ताड़ का तेल जिसे बोलते हैं, और ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है, हार्ट में आदमी मरता ही मरता है, और सभी को चाहिए खाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान आजकल दे रहा है, पहला चीज। दूसरा यहां पर अब देखना, वेट है तो यहां का जो ट्री है, प्लांट्स है, वो कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, अगर मैं बात करूं वेजिटेशन की, यानी जंगल कैसा होगा, तो आपको बताना है सर एवरग्रीन होगा, कैसा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि भाई डेली बारिश हो रही है ना, दलदल है ही है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा क्योंकि एवरीडे यहां पर बारिश हो रही है, एवरग्रीन होगा तो पेड़ बहुत होंगे, डेंस फॉरेस्ट होगा, कैसा, एवरग्रीन एंड डेंस, घना जंगल होगा यहां पर, बहुत घना जंगल होगा।
और जब घना जंगल होगा तो ऊपर से रेज भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं जमीन तक, इतना घना होता जंगल। और जब ऐसा होगा कि धूप ना मिलेगी तो अब बात आता है कि यहां पर इस वेजिटेशन में किस टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, यानी क्रीचर कैसे कैसे मिलेंगे अगर सभी की बात करें तो। तो यहां पर क्या कोई ऐसा मिलेगा कि जिसमें लायन हो, एलिफेंट हो, या कोई ऐसा ऐसा जानवर मिलेगा क्या? नहीं, इसमें मिलेगा रेप्टाइल्स। क्या मिलेंगे? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जानवर जो पानी में रहते हो, दलदल में रहते हो, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, ऐसे जानवर वहां पर रहेंगे। और ये जानवर वहां पर रहकर इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। इनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत रहेंगे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें कर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी बहुत होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स। बट इसमें वाइल्ड एनिमल जो कि खुली जगह पे रहते हैं वो नहीं मिलेंगे यहां पर। वो क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ऑफ उनके लिए नीड है, उनके लिए जरूरत है कैसा, एक ड्राई लैंड की जिसमें दौड़ सके, भाग सके। यहां दौड़ने की तो जगह ही नहीं है, दलदल में फंस जाएगा, हाथी घुसा ही पड़ा रहेगा, निकलेगा ही नहीं बाहर। तो ये चीज है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये, क्या हैबिटेशन के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या लोग रहते हैं वहां कि नहीं? तो इट इज नॉट गुड फॉर हैबिटेशन, क्योंकि दलदल में रहेंगे तो यहां पर जब कीचड़ रहेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मार्स गैस निकलेगी। पहले तो मार्स गैस जिसे मीथेन कहते हैं, वही मार्स, मार्स गैस निकलेगी। मार्स गैस के साथ साथ इसमें हम एक चीज और भी देखेंगे, मार्स गैस तो निकल ही रही है, साथ ही इसमें अगर हम देखें कि यहां पर आपके डेंगू, मलेरिया, इस जो मच्छर इसे फैलाते हैं वैसे यहां पर मच्छर भी होंगे, मॉस्किटो भी यहां पर रहेगा जो कि इसमें फैला सकता है, ये चीज भी यहां पर बढ़ा सकता है। इससे लोग क्या हो जाएंगे, बीमार होना शुरू हो जाएंगे, बीमार होंगे, डेंगू होगा, मर जाएंगे, चले जाएंगे, बेसिकली ये चीज है। लेकिन इससे इक्वेटोरियल रीजन जो है, डेंस फॉरेस्ट जो बनाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट इसे कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, बट इट इज कॉल्ड ऑल्सो लंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के फेफड़े कहे जाते हैं, अर्थ का लंग्स कहा जाता है इसे, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर ये शायद नहीं होता तो हमें सांस जो चल रही है, जो ऑक्सीजन मिल रही है सबसे ज्यादा, शायद वो चीज उतनी हमें अर्थ में नहीं मिल पाती अगर इक्वेटोरियल जोन ऐसा नहीं बना होता तब। So basically आप इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें एक पॉइंट ये कि दिस फॉरेस्ट, दिस रीजन इज द लंग्स ऑफ द अर्थ, ये अर्थ लंग्स, लंग्स है अर्थ की, एंड दिस इज हाई, देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ स्वाम्पी लैंड, बिकॉज ऑफ वेट लैंड। और यहां पर जो भी आपके ट्रीज मिलेंगे, एवरग्रीन तो है ही, डेंस तो है ही, बट यहां पर टॉल बहुत होंगे, कैसे, लंबे बहुत होंगे, टॉल बहुत होंगे, जैसे रोजवुड, रोजवुड बोल सकते हैं, अबोनी बोल सकते हैं, मोहगनी बोल सकते हैं, रबड़ बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि बहुत लंबे हो सकते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं क्या, मोहगनी, सॉरी मोहगनी हो गया आपका, अबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, एटीसी, और इन्हें एक परिवार से जोड़ते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे ट्रीज, उनकी बात कर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एपिफाइटस से करता है। किससे? एपिफाइटस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, एपिफाइटस, एपिफाइटस, ठीक है, बट नॉट गुड फॉर लंबरिंग हार्डवुड, हाई डाइवर्सिटी है यहाँ, लोडिंग अपलोडिंग के लिए डिफिकल्ट है, लंबरिंग ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ये भी चीज है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ यहां पर इस क्लाइमेटिक रीजंस पर इसे हम कभी कभी एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से देखें अपने, अगर उसमें जाए मैप पे, तो आपको मिलेगा कि यहां से अमेज़न रिवर निकली हुई है, ये अमेज़न रिवर यहां से इसको काट रही है और यहां पर ब्राजील में इधर गिर रही है, यहां से इक्वाडोर, इक्वाडोर यहां पर जगह है, इक्वाडोर से
ये ओरिजिन ओरिजिनेट होती है अमेजोन और यहां ब्राजील में गिरती है। बट ये अमेजोन कहां पर है, ये आपके इस पर है, किस पर है, ये इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर पर है तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं कि अमेजोन वैसे भी सब सेकंड लार्जेस्ट है और अगर चौड़ाई में देखा जाए तो नंबर वन पे आती है। और यहां पर क्या होगा, इसमें जब ऐसे होती हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये अमेजोन रिवर की बात करते हैं, हम अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन रिवर, तो इसे हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो, दिस प्लेस इज कॉल्ड अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये कहलाता है। And being rain forest is being cleared for rubber plantation, oil exploitation, आप कह सकते हैं exploration के लिए। किस oil का? ताड़ oil का, palm oil का, और यहाँ पर rubber की खेती अच्छी खासी होती है। इसीलिए यहाँ पर Ecuador पर जहाँ से Amazon निकलता है वहाँ पर एक park बना हुआ है जिसका नाम है Yasuni National Park। It is also located on the equatorial zone। Yasuni यहाँ पर है, Yasuni National Park। Yasuni National Park. Yasuni National Park is located. यहाँ biodiversity more than entire Earth, America, अगर इस सबको देखा जाए तो बहुत ज्यादा। यहाँ पर दो tribes भी रहती थी जो अब नहीं connect नहीं है, पहले रहती रही होंगी कोई दो tribes जिनके नाम नहीं मिलते जल्दी, तो वो रहती थी पहले, फिर इसके बाद धीरे 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 वो नॉर्थ अमेरिका की ट्राइब्स थी और उसमें रहती थी, लेकिन ये बीमारी डेंगू मलेरिया इससे परेशान होके फीवर से ये लोग यहाँ से चले गए, मूव कर गए और फिर यहाँ पर दोबारा आने का ट्राई नहीं किया, दोबारा नहीं आए ये लोग, तो यहाँ से इस चीज को है। और सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट होने से पाम की जो ऑयल कल्टिवेशन होता है वो होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऑल्सो, ये इंडोनेशिया है जहां से आप जाओगे, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर पाम ऑयल की सबसे ज्यादा यहाँ पर वो होता है, कल्टिवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, इस चीज को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की बात थी, इसमें इसको समझने वाली बात थी इस पे कि कहां से कैसे चीजें हमारी बदल रही हैं, कैसे कैसे हमारी बढ़ रही हैं। तो हम इस इक्वेटोरियल रीजन को हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट में अगर हम इसमें और थोड़ा सा ध्यान दें इक्वेटोरियल क्लाइमेट की थोड़ी सी चीजों को, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को और हम चर्चा कर सकते, क्योंकि हम बेसिकली हम इसकी क्लाइमेट रीजन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजन की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि मॉइस्ट होता है, हैबिटेशन के लिए ठीक नहीं है, और ये हाई इंसिडेंट्स यहाँ पर मलेरिया और डिजीज की आती है, इसलिए यहाँ पर रोग नहीं रुक सकते। अगर इसमें हम कुछ ट्राइब्स पहले जो रहती थी, जो आज के डेट में मूव कर चुकी हैं, अगर मैं उनके नाम लूंगा तो फिर आप साथ पहचान जाएंगे। वैसे नाम उस समय अमेरिका में थी, वो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की कुछ मानी जाती है कि नॉर्थ अमेरिका ही पड़ता है इसमें, वो साउथ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका में अब शिफ्ट हो चुकी है जाके, वो ट्राइब्स जो रहती थी इसके आसपास, तो उनके कुछ नाम हम लिख सकते हैं। जैसे कांगो में पिग्मी, ये ट्राइब है वहां का जो यहां पर पहले यहां से एग्जिस्ट करती थी यहां पर, तो उनके है। जैसे पिग्मी, पिग्मी ट्राइब से कांगो, कांगो एक शहर है, कांगो सॉरी यहां पर है आपका अफ्रीका में कंट्री है, सॉरी, तो यहां पर आपका पिग्मी ये कंट्री है। इस कंट्री में कांगो में पिग्मी आ गया। मलेशिया में ऐसे ही सेमांग औरंग असली के नाम से आता था, मैं चाहे यहां पर आपके लिख लूंगा, कांगो कंट्री में देखें तो पिग्मी नाम से चलता था। मलेशिया में अगर बात करें तो सेमांग एंड औरंग असली ये भी होती थी। इसके बाद आपका फिलीपाइन में देख लें तो वहां पर औरंग अकिता मिलता था। फिलीपाइन इंडोनेशिया के ऊपर है, थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ एरिया है, 10 डिग्री तक देखेंगे तो आ जाएगा, तो इसमें औरंग आपका अकिता आ जाएगा। ठीक है, अगर यही बोर्नियो में देख लें, बोर्नियो में वहां डायाक्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे यहां पर हम इनको अगर चर्चा करें, इसको देखें, तो यहां पर आपको ये नजर आएंगे, ये चीजें यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये ट्राइब्स यहां पर रहती थी, ये ट्राइब्स यहां मिलती थी पहले हमें,
और अब ये ट्राइब्स नहीं है, अब ये मूव कर चुकी हैं बेसिकली। मैं ये इसलिए कि यहाँ यहाँ ये पहुंच चुकी हैं, अब इसी कंट्री में रह रही हैं ये ट्राइब्स, तो हम इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आप ये मत कहिएगा कि ये चीज नहीं आया। मूर्ति वाघ मोड़, ओके मारुति, ओके मैंने कहा मूर्ति। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, इसका क्या क्या इसके गुण है क्लाइमेटिक रीजन्स के। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ टॉल या ऐसे क्या पेड़ है, लंबे पेड़ है, बहुत ज्यादा क्राउनी पेड़ होते हैं, कैनोपी टाइप के होते हैं, तो ये आपको जानना है। दूसरा इसमें एक पॉइंट है, को एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, क्या ऐसा है क्या, प्रेजेंस ऑफ नंबर न्यूमरस वराइटी ऑफ इपीफाइटस। सो आपको इसमें एक दो तीन या कौन सा इसमें आएगा, तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए वो सारे के सारे इसके पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन हमने डिस्कस कर लिया इसमें। अब जो हमारा रीजन है दूसरा, वो है ट्रॉपिकल रीजन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ये तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन, 10 के ऊपर जितना भी आ जाएगा लैटिट्यूड में, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यानी 30 डिग्री तक, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात करें, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में भी पहले क्या आता है, ट्रॉपिकल डिजर्ट आता है। अगर ऊपर साइड चले तो ट्रॉपिकल डिजर्ट आ जाएगा, नीचे साइड, अब देखो इसमें भी समझना है, हर चीज लैटिट्यूड पर डिपेंड है। ये थोड़ा सा ठीक बना नहीं मेरे से लगता है, चलो इससे बना के मैं बताता हूं। ये तो इक्वेटर हो गया, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री तक हो गया। अब देखो यहां तक बारिश तो हो रही है, इधर इधर जो नीचे है नजदीक है किसके, इक्वेटर जोन के। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, हमें रेनफॉल कम होता चला जाएगा, रेनफॉल कम होगा तो डिजर्ट तो बनेगा ही बनेगा। और सबसे ज्यादा डिजर्ट किधर होगा, वेस्टर्न एरिया में। हुआ है रीजन इज कि इस वाले एरिया पे कौन सा आता है, रेन चलती है, ट्रेड विंड चलती है, राइट, ट्रेड विंड। और जो ट्रेड विंड्स हैं ये ईस्टर्लीज होती हैं बेसिकली, तो जो हवाएं यहां से चल रही हैं, यहां से हवाएं जो चल रही हैं, तो वो यहां से मॉइस्चर उठाया लेकिन यहां तक आते आते ड्राई हो जाती है, तो यहां बारिश होगी नहीं, तो इधर सबसे ज्यादा डिजर्ट्स मिलते हैं, डिजर्ट्स दिखते हैं इधर। तो ये ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा रीजन है वो बेसिकली यही है कि हम इसको ये समझ लें ये कैसे चल रहा है, तो चाहे ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से देख लें, चाहे ट्रॉपिकल डिजर्ट से देख लें, उन्हें हर चीज को हम यहां पर समझेंगे उस चीज को। बट हमें इक्वेटर वो लैटिट्यूड को नहीं भूलना है, लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए। तो अब लैटिट्यूड हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसे बोलते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर यानी 30 डिग्री वाला, 30 से 40 डिग्री की बात हो रही है यहां पर उसकी बात। तो यहां पर जब हम इसमें आएंगे तो यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की जब देखेंगे, तो मैंने बताया कि यहां से कैसे कैसे हमारी रेन चल रही है, कैसे अब यहां पर रेन हो रही कि नहीं हो रही, रेन की डिफिसिट होता जा रहा है, कमी आती जा रही है, तो ये डिजर्ट में चेंज होता जाएगा। लेकिन एक चीज आपको देखने में नजर आएगा, जब भी कभी आप वर्ल्ड का नक्शा देखो, दिखाई देता हूं, देखो क्या आप इस इक्वेटर के ऊपर देखो, लैंड इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, कंट्री किसमें ज्यादा है, कॉन्टिनेंट किसमें ज्यादा है, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर ज्यादा है तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लैंड है, और अगर नीचे देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है। इसका मतलब है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट कहां सबसे ज्यादा मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि लैंड भी है यहाँ, नीचे लैंड कम है, लेकिन नीचे भी वेस्टर्न कोस्ट में आपको डिजर्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो, चाहे वो फिर आपके अफ्रीका का पार्ट हो, लेकिन मिलेगा यहां भी डिजर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स कह सकते हैं, बाय द टाइम रेन वेयरिंग विंड रीच फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट,
जैसा मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ जाती हैं, इसकी वजह से ये ड्राई हो जाती हैं, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। कि यहाँ रेन क्यों होती है इस समय, इसे डिजर्ट हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आते आते रेन खत्म हो जाती है। यहाँ से रेन उठाया इसने, बादल बने और यहाँ तक आते आते वो ड्राई हो जाएगा, वहाँ बारिश करा चुका होगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा पानी लेके। जब नहीं पानी लेके पहुँचेगा, मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा, तो ये पूरी तरीके से नहीं बनेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादा बनता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्टर्न कोस्ट पे बनेगा, लेकिन बनेगा वेस्टर्न कोस्ट पर ही, ईस्टर्न कोस्ट में बहुत कम आपको देखने को मिलता है, रेयर है जो आपको मिल जाए, दिख जाए, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल जो डिजर्ट है उसके बारे में आपको एक तो ये भी देखना है कि पूरे अपने मैप में आपको सर्च करना है, जो आपका वर्क है ट्रॉपिकल डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर एक चीज ये भी है कि इसमें एक फायदा आपको नुकसान, यहां पर दो चीज समझना है कि वो क्या फायदा क्या नुकसान उसके बारे में दे। यहां पर जब डिजर्ट्स बनते हैं ना इस एरिया पे, ये ध्यान देना, ये एरिया है जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट, चाहे इसका हो चाहे यहां हो चाहे नीचे हो कहीं भी हो, ये वाला पार्ट कहीं भी है, इसमें आपको क्या नजर आएगा कि यहां से कोल्ड करंट भी नजर, क्योंकि पोलार से आएगा ना, तो यहां से कोल्ड करंट भी नजर आएंगी आपको, और जो इधर से जाएंगी इक्वेटर से वो वार्म करंट जाएगी। तो कई बार मिलती है यहां, जैसे न्यू फाउंड लैंड पे मिलती है, यहां कैनरी करंट करंट आती है, कोल्ड करंट यहां से आती है, ऐसे हमारे बहुत सारे करंट्स हैं जो कोल्ड करंट वार्म करंट आती है। अब जो कोल्ड करंट जहां से आएगी वो इसमें इफेक्ट डालेगी और डिजर्ट को ठंडा कर देगी। अब यही दिमाग लगाना है कि ट्रॉपिकल में होने के बावजूद अगर कोई डिजर्ट ठंडा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है और कोल्ड डिजर्ट कहलाता, तो रीजन क्या है भाई? यहां तो गर्मी बहुत है, डायरेक्ट रेज है, थोड़ा बहुत टिल्टेड है, बट फिर भी यहां पर कोल्ड डिजर्ट है। रीजन इज कि यहां पर कोल्ड वेव्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं, कोल्ड करंट जब आती हैं तो वो अपना इफेक्ट डालती हैं और उसको भी कोल्ड कर देती हैं, उस रीजन को भी कोल्ड कर देती हैं। दैट इज डिस्कैटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ओशनिक करंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, जितने भी महाद्वीप, उनके वेस्टर्न कोस्ट पर यह इफेक्ट डालेगी और वहां ठंडा कर देगी। ये इसका फर्क है, इस चीज को यहां से हम जान सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फर्क पड़ेगा इसमें वेस्टर्न कोस्ट पर। अभी हम ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, अभी ऊपर टेम्परेट पे नहीं गए, टेम्परेट पे मत जाना अभी, सिर्फ यहां के डिजर्ट्स आपको समझने हैं, डिजर्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, इस चीज को हमें समझने का ट्राई करना है, कोशिश करना है कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी आ रही हैं, डिजर्ट्स कैसे बनते जा रहे हैं, समझ आया। चलिए आगे देख लें, अगर हम इसमें थोड़ा सा चीजों को लोग इसमें डिजर्ट्स में आप अपने इसमें कि किस किस टाइप के डिजर्ट्स यहाँ पर पाए जाएंगे, कैसे कैसे इनके होंगे, कैसा यहाँ का वेजिटेशन होगा ट्रॉपिकल डिजर्ट्स के, अगर इसकी चर्चा कर लें तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ एरिड ड्राई क्लाइमेट होगा, कैसा होगा? एरिड ड्राई क्लाइमेट, यानी आप कह सकते हैं स्कैंटी रेनफॉल होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा, वाटर डेफिसिट होगा, बहुत कम बारिश होगी यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे बारिश कम होती चली जानी है, ठीक है। तो यहां पर बारिश कम होगी, एरिड ड्राई होगा, एरिड ड्राई, रेनफॉल लेस, रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा, स्कैंटी रेनफॉल कह सकते हैं, वाटर डेफिसिट हो जाएगा, पानी बहुत कम हो जाएगा। वेजिटेशन, और यहां पर वेजिटेशन कैसा होगा? जीरो फाइटिक होगा, क्या होगा? जीरो फाइटिक फैमिली के यहां पर वेजिटेशन, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जीरो फाइटिक ये एक फैमिली है, साइंटिफिक नेम है। यहां पर लो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कहां मिलती है? जहां पर पानी ज्यादा होता है, जहां पर रिवर्स ज्यादा हो, रिवर्स होगा तो वहां पर, इसलिए इस पार्ट को दो उसमें बांटा जाता है, एक वेस्टर्न वाला पार्ट, एक ईस्टर्न वाला पार्ट। अभी इसका और भी पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जो रीजन है वो केवल इतने में खत्म नहीं होगा, उसका भी एक पार्ट और बाकी है, एक पार्ट इधर है। तो इसमें अगर हम देखें यहां पर लो पॉपुलेशन होगी, लो पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि डिजर्ट है, तो कौन सा वहां पर, देखो वहां पर रेता है, बालू है, सैंड है, इसको क्या ही आदमी इसमें उगाएगा, क्या ही खाएगा? राजस्थान में देख लो आप, नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये कैसा, इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, मैगरेब रीजन भी कहा जाता है। लो पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड मैगरेब रीजन, इट मीन्स लो हाई पॉवर्टी, यहां पॉवर्टी गरीबी बहुत होती है इस एरिया पे। तो इन एरिया में जब पैदा ही नहीं कुछ होगा तो क्या होगा? गरीबी तो आएगी, या पावर्टी आप लिख दें,
पॉवर्टी बढ़ेगा। इसलिए चाहे अफ्रीका कंट्री में जाए चाहे जहां भी जाए, अगर इस एरिया के लोग हैं तो गरीब होंगे। जो जो कंट्री इसके आसपास पड़ रही हैं जैसे, तो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो सारे के सारे इसमें गरीब नजर आएंगे आपको, क्योंकि यहां पर पानी बहुत कम है और बालू रेता बहुत है। और इसके साथ साथ यहां पर जैसे कुछ आपको यहां पर दिखाई देंगे, जैसे आप इसमें कुछ डिजर्ट्स के नाम लिख सकते हैं, जो सहारा का है टॉर्गेस, टॉर्ग कुछ ऐसा नाम है, आप देख लें थोड़ा सा टॉर्ग, हाँ टॉर्गेस, टॉर्क्स नाम है उसका, टॉर्क्स है सहारा का है। इसके सहारा आपका अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद आपका अरेबिया का है बेडुइंस, फिर एक आपका कालाहारी डिजर्ट है आपका हॉटेंटोस। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर आपको निकल के आएगा, ये डिजर्ट्स के, इनके आपको सर्च करना है, इनके नाम देखना है, सुनना है, तब समझ आएगा, तब आपको चीजें दिखाई देंगी यहां पर। इसके साथ हम इस डिजर्ट्स की बात करें तो अब इसके साथ साथ हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की बात करें। कॉन्टिनेंट के अंदर ये भी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा चलेंगे, लेकिन कॉन्टिनेंट डिजर्ट्स की बात करेंगे इसमें। ये आपका इंटीरियर ऑफ द लार्ज लैंड के अंदर आता है, और ये भी हमारा इसमें रेनफॉल यहाँ कम होगी, विंड नहीं ला पाएगी, और ये भी हमारा लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन के किनारे होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सो हम एक एक डिजर्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक डिजर्ट को यहाँ समझ रहे हैं। जो चीज समझ नहीं आए वो पूछते जरूर जाना, ठीक है। तो मेरी चीज समझ आ रही ना पढ़ाने समय, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? तो अब आ जाते हैं हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स पर। कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की बात करें हम यहां पर, और इनके नाम भी देखते, पहले तो आप इनके नाम भी देख लो। यहां पर नो सैंड डून्स, यहां पर सैंड डून्स नहीं होते, लेकिन एरिडिटी बहुत होती है, हाई रेनुअल टेम्परेचर यहां पर होता है, जैसे चाइना में है, साउथ अमेरिका में है। इनके नाम देखे तो आपको कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स यहां निकलेगा, जैसे टकला मकान चाइना में है एक, ऐसे करके है नागो डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, नमीब डिजर्ट, आटाकामा डिजर्ट, और रब एल खाली डिजर्ट, दास्ते कावीर, दास्ते लुट, नबियन डिजर्ट, ऐसे पटागोनियन डिजर्ट, ग्रेट सैंड डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ऐसे डिजर्ट्स बहुत सारे जो आपके कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स में आते हैं। ठीक है, सो इनके बारे में भी हमें समझना है। तो इनके आपको आपको मैप लेके बैठना, मैप है आपके पास कि नहीं है, मैप लेके बैठिए, फिर इसको मजा आएगा पढ़ने में, तभी मजा आएगा। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स की हम बात करते हैं। इसमें कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स में अगर बात करते हैं तो ये दिस इज अ इंटीरियर ऑफ लार्ज लैंड, बहुत बड़ा लैंड हो और उस लैंड के बीच में जो डिजर्ट्स आते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। किनारे पे ना हो, कोस्टल एरिया पे जो डिजर्ट्स नहीं है उनको हम कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स बोलते हैं, कहते हैं इसको। लेकिन ये भी ट्रॉपिकल रीजन पर ही मिलेगा, ये बात समझ लो, थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन के बीच में, यानी सवाना को टच करेगा ये, इस वाले एरिया पर आप कह सकते, ये हमारा इक्वेटर है ना, ये तो ये इस एरिया पे जो हमें डिजर्ट्स मिलेंगे इस एरिया पे, दैट दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। तो ये पृथ्वी जो लैंड है उसके बीच में जो पाया जाए, यहां पर भी क्या करती हैं, जो यहां से हवाएं चलती हैं या कुछ आपके अगर इसके ऊपर चली जाए तो यहां वेस्टलीज विंड आती है इधर से, और यहां पर जो गर्मी नहीं ला पाती, यहां बारिश नहीं करा पाती, वो ईस्टर्न साइड में आ जाती है, यानी आप कह सकते माउंटेन की इस साइड, यानी जो वेस्टलीज विंड चलती है इसके 30 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा, तो इसमें चले तो यहां से जो मॉइस्चर लेके जाती है वो इधर नहीं बारिश करा पाती, तो उसमें जो बनेगा वो हमारा ये कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर एरिडिटी ज्यादा होगी लेकिन यहां पर सैंड डून कम होगा, यहां पर भी हवाएं क्या होंगी, अब विंड क्या है, रेनफॉल लेके नहीं पहुंच पाएंगी, जो हवाएं हैं वो अपनी पानी मॉइस्चर लेके उधर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए हम इसे कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आगे इसमें एक जो टेम्परेचर नजर आएगा वो हाई एनुअल टेम्परेचर नजर आएगा,
इसमें कुछ कॉन्टिनेंट डिजर्ट्स हैं जो आपके चाइना में है, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में है, जो अफ्रीका में है, ऐसे सभी हम इनके डिजर्ट्स को देखेंगे, समझेंगे। तो आप उनको डिजर्ट्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पर देखनी है और अपना मैप निकाल लें, जिससे डिजर्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो आपको सर्च करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेगेव डिजर्ट आपको सर्च करना है, कहां पर है, ये आपका वर्क है। नेगेव डिजर्ट्स, वैसे इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एरिया से लैटिट्यूड से ढूंढ सकते हो। दूसरा है कालाहारी डिजर्ट, थर्ड है आप लिखते जाइएगा कालाहारी, नमीब डिजर्ट, नमीब आपका ये सारा का सारा अफ्रीका के बहुत सारे हैं, यहां से आप देखेंगे ना नमीब, यहाँ पे ईस्टर्न, यहाँ पर आपका जो ये है आपकी यहाँ से रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली किनारे किनारे कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में भी, तो यहाँ पर आपको नीचे निकला कालाहारी डिजर्ट, नमीब डिजर्ट, आटाकामा डिजर्ट, टकला मकान, रब अल खाली लिख सकते हो, दास्ते काविर, दास्ते लुट, नबियन डिजर्ट, नुबियन डिजर्ट एंड पैटागोनियन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ये सारे डिजर्ट्स इसमें आ जाएंगे। आप थोड़ा पॉज करना और इसको लिखना तो आपको नजर इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो हमें ये चीजें डिजर्ट्स यहां पर देखनी है, इसको समझना है। एक सबसे लास्ट जो आपको डिजर्ट्स नजर आएगा जो सदर्न प्लेट सदर्न पार्ट पे आएगा वो है ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। ग्रेट विक्टोरियन अगर बात करें तो ये आपका ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट आपका देखा जाए तो आपका किधर ऑस्ट्रेलिया साइड नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करेंगे हम। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड, ये भी है जो टेम्परेट रीजन पर पहुंच जाता है, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। ये आपका रेन फॉरेस्ट और हॉट डिजर्ट के बीच में लोकेटेड होता है, मैंने यानी जो डिजर्ट्स हो रहे थे वो और नीचे जो बारिश हो रही थी वो उनके बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है उस रीजन को हम कहा है हमने, ठीक है। तो यहां पर ये एक कह सकते हैं इसमें एक पॉइंट इसमें आता है कभी कभार कि ये पार्क लैंड टोपोग्राफी कहलाती है या फिर बिग गेम कंट्री कहते हैं इसमें। क्या कहते हैं इस एरिया को? सवाना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड सवाना एंड सवाना इज ऑल्सो कॉल्ड पार्क लैंड टोपोग्राफी और इसमें एक पॉइंट और कर सकते बिग गेम कंट्री। ये लोकेटेड होता है रेन फॉरेस्ट यानी नीचे जो था फॉरेस्ट अमेजॉन फॉरेस्ट और ऊपर डिजर्ट्स है उनके बीच में लोकेटेड होता है। इसके बाद यहां पर आपके बहुत सारे ऐसे ग्रासलैंड आएंगे सवाना में, अफ्रीका में, यहां पर सारे मॉडरेट रेनफॉल कैसे कैसे होता है, ड्राई वेट सीजन होंगे कैसे क्या रहेंगे इसके बारे में हम कैसे कैसे आएंगे, एनिमल्स कैसे मिलेंगे इनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी है और नेक्स्ट तुम हम कल इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम पर 7 बजे। 7 बजे डेली होगी हमारी क्लास, आप इसमें डेली आ सकते हैं, डेली पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।